सबका मालिक एक है, श्रद्धा सबरी के साथ भक्तों के दिल में जगह बनाने वाले साईं बाबा के जहानाबाद में बने भव्य मंदिर की स्थापना के वार्षिकोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूं तो हर साल मंदिर के वार्षिकोत्सव के अवसर पर बड़े पैमाने पर प्रभात फेरी निकाली जाती है, मेले का आयोजन किया जाता है और बड़ी संख्या में पहुंचने वाले भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन होता है, लेकिन कोरोना काल ने सब कुछ बदल दिया। इस बार पहले की तरह भव्य कार्यक्रम तो नहीं हुआ, लेकिन बड़ी संख्या में साईं भक्तों का जुटान मंदिर परिसर में देखने को मिला। बड़ी संख्या में साईं भक्त वार्षिकोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और साईं बाबा का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्यों ने बताया कि भंडारे में भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, लेकिन कोरोना की वजह से व्यापक पैमाने पर हर साल जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे उनमें कटौती की गई। बस प्रतीकात्मक तौर पर वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में पहुंचे और साईं बाबा के दर्शन कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। जहानाबाद न्यूज़ के लिए वीरभद्र सिन्हा और गप्पू की रिपोर्ट। फरवरी 2010 को बाबा की स्थापना हुई थी, इसलिए दसवां वार्षिकोत्सव हम लोग मना रहे हैं और इस मंदिर की आज भंडारा विशेष पूजन की व्यवस्था रखी गई है और अनेकों लोगों को प्रसाद वितरण किया जा रहा है। आज से 10 वर्ष पूर्व 8 फरवरी 2011 को बाबा का जहानाबाद में आगमन हुआ था। उनके आगमन के उद्देश्य से ही हम लोगों ने इस मंदिर की स्थापना की थी और तब से आज तक उनके आने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष हम लोग साई स्थापना दिवस या फिर वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन करते रहते हैं। हालांकि पिछले वर्षों में हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। आज एक बार फिर से दसवां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। इस क्रम में हालांकि हम लोगों ने कोविड-19 को देखते हुए जिला प्रशासन ने निर्देश दिया था कि इस कार्यक्रम का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करवाइएगा और न ही मेला की तरह का आयोजन कीजिएगा, और नगर भ्रमण जो बाबा की पालकी का एक दिन पूर्व में होता था उसको भी हम लोगों ने नहीं करवाया था, ताकि जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या थोड़ी कम हो सके, ताकि हम लोग कोविड-19 का पालन कर सकें उनके निर्देशों का। लेकिन उसके बावजूद भी आज हम यह देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में साई भक्ति में डूबे हुए लोग आ रहे हैं और बाबा की जयकारा करते हुए प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं।